टेक्नोलॉजी कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैनुफैक्चरिंग को हम क्लासीफाई करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मेन रूप से हम इसको तीन टाइप का प्रोसेस होता है। एक सेफ्टी या कोडिंग, इसको जीरो प्रोसेस होता है। जीरो प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, इसमें हम मेटेरियल जो मेरा मेटल होता है उसमें से उसका मास रिमूव नहीं करते, सिर्फ उसका शेप चेंज करते हैं, इसलिए इसको जीरो प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आता है मेरा फोर्जिंग में सिर्फ मेटेरियल का जो शेप होता है शेप चेंज करते हैं, उसे मेटेरियल ना तो रिमूव करते ना ही एड करते, इसलिए इसको सेटिंग या फोर्जिंग प्रोसेस और इसको जीरो प्रोसेस। दूसरा मेरा आता है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसे मास एड करते हैं, मास जोड़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दिए वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या होता है, फिलेट मटेरियल जो दो मेटल को ज्वाइन करना होगा, मान लिया जाए दो मेटल था इसको ज्वाइन करें बट ज्वाइंट से यहाँ पे, तो यहाँ पे फिलेट मटेरियल से इसको जोड़ते हैं डालते हैं। इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल ऐड हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव मीन्स इसमें मटेरियल ऐड किए, तो वेल्डिंग इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको ज्वाइनिंग बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। तीसरा जो है रिमूवल प्रोसेस, इसको निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। निगेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं इसमें से मास रिमूव होता है, मास इसमें से निकालते हैं जो पेरेंट मेटल होता है उसे। इसमें हम पेन का एग्जाम्पल मान लिया जाए, ये मेरा कोई शीट है या कोई मेटल है, इसमें आपको यहाँ पे डील करना है इस पोर्सन, इसको डील मशीन के पास ले जाएंगे, इसमें डील करेंगे। डील जो करेंगे यहाँ से मेटल मेरा रिमूव होगा तो इसका क्या होगा, वेट घटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं निगेटिव प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस मतलब इससे मास रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवल प्रोसेस। टोटल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस के हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, शेपिंग या फॉर्मिंग इसको जीरो प्रोसेस बोलते हैं, ज्वाइनिंग इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, तीसरा हो गया रिमूवल प्रोसेस मीन्स निगेटिव प्रोसेस से मास को रिमूव करते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है शेपिंग या फॉर्मिंग के बारे में पढ़ना है, फॉर्मिंग में ही आता है मेरा फॉर्मिंग प्रोसेस। अब हम लोग को फॉर्मिंग के बारे में पढ़ना है स्टार्ट। अब इसके बाद फॉर्जिंग प्रोसेस, फॉर्जिंग में क्या चीज करते हैं, मेटल को हम शेप चेंज करते हैं। मान लिया जाए ये मेरा रड है, इसका हमको शेप चेंज करना, शेप चेंज के ना तो इसे मटेरियल ऐड करेंगे ना ही मटेरियल को रिमूव करेंगे, इसका सिर्फ शेप चेंज करना होगा। शेप चेंज या तो हम इसका लंबाई छोटा करेंगे, लेंथ छोटा करेंगे और इसका डायमीटर बड़ा करेंगे, या डायमीटर इंक्रीज होगा लेंथ इंक्रीज होगा, या इसको एल शेप यू शेप जैसा भी शेप हो उस शेप में हम इसको बदलेंगे। ये मेरा फोर्जिंग कर रहा है, फोर्जिंग का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रेप्चर, इसका परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। मान लिया जाए इस रड को हम इलोंगेट कर देते, यहाँ पे ये दोनों पोर्शन पे हम डाई लगाते, यहाँ पे इस पोर्शन पे हम डाई लगाते, यहाँ पे भी हम एक डाई लगाते हैं, दोनों पोर्शन पे हम हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करते इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसका लेंथ इंक्रीज होता और इस पोर्शन का डायमीटर डिक्रीज होता है, कुछ इसका सेम इस टाइप से। आपका सेफ बनता है, इसको फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग का मतलब होता है परमानेंट
डिफोर्प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, मतलब टूटा भी नहीं और इसका डिफॉर्मेशन हो गया, अभी इसके बाद इस शेप में अभी नहीं आएगा अपने आप, इसलिए इसको क्या बोलेंगे फोर्जिंग। फोर्जिंग में भी बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें हम लोग कुछ प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं अभी अपसेट फोर्जिंग, अपसेट इंक्रीज होगा। अब इसके लिए क्या चीज करेंगे हम, मान लिया जाए ये मेटल है, या एक मेटल है इसका, इसको हमको डायमीटर इंक्रीज करना है और लेंथ डिक्रीज। इसको करने के लिए एक डाय हम नीचे लेंगे, सबसे पहले मटेरियल को हीट कर देंगे, हीट करने से हमको हैमरिंग करने के बाद ये आसानी से इसका हाइट कम हो जाएगा और डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। जब हैमरिंग करेंगे इस पे, हैमरिंग करने के बाद इसका शेप कुछ इस टाइप से हो गया। इसका शेप इस टाइप, इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया और लेंथ डिक्रीज हो गया, इसको बोलेंगे अपसेट फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग। फिर और भी फोर्जिंग प्रोसेस है, फिर हम दूसरा